ये तो बहुत आपत्तिजनक है और बहुत ही ओछी और गलत हरकत है इनकी। अब ये क्या है क्या नहीं मैं तो जानता नहीं हूँ, आपने बताया कि उनके कोई सलाहकार हैं, अगर ऐसा कोई सलाहकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने रखा है तो फिर मेरी तो यही सलाह होगी प्रदेश अध्यक्ष को कि राजनीतिक रूप से इनसे दूरी बनाएं, इनका कोई कांग्रेस में या हमारे संगठन में कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी से क्या सलाह लेते हैं क्या नहीं लेते हैं आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के संगठन से जुड़ के काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सिद्धू जी को स्वयं आगे आके, क्योंकि अगर उनके सलाहकार हैं, किस पदवी पे हैं किस पोस्ट पे हैं तो वो जाने, अगर उनके सलाहकार हैं तो उन्हें सामने आकर इस व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप अपने दायरे में रहें, जिस चीज़ की ना आपको समझ है ना आपको की कोई जानकारी है या आप जिसके बारे में गलत सूचनाएं रखते हैं उसके बारे में किसी तरीके की सार्वजनिक टिप्पणी करने से आपको परहेज करना चाहिए। Folklore, which is one of the most important aspects of our heritage, and it is essentially a story of our collective experience as a society that we pass orally from generation to generation. Folklore is, in true sense, people's literature. It's a people's literature. The communities that once practiced these art forms are vanishing. We should protect them, we should promote them. The younger generations among them migrate into other jobs because they feel these traditions, these jobs are menial. No, they are great jobs. We should create demand. We should not be influenced and carried away by the Western culture. With such a great culture we have, why should we follow and practice other cultures? Our folk traditions reflect our cultural roots. Once permanently lost, they cannot be recovered. On this day, let us recommit ourselves to strive and protect our rich folklore traditions. Let us educate and enlighten the younger generation about their great legacy. आराम इसलिए आया है कि मुझ जैसा बहुत और लोग है जो उनका केस बंद है और वो लोग का बच्चे नहीं पढ़ सकता है, या अगर बच्चे भी पढ़ रहेगा उस स्कूल में कोई जुगाड़ में उसका करेगा फिर, मगर वो कॉलेज नहीं पढ़ सकता है। ये इसीलिए किया क्योंकि हमारे को हमारे राइट्स नहीं मिल रहे और हमारे राइट्स जो है वो इधर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं है और ये जो है हमारे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम यहाँ 12 साल से रह रहे हैं, मतलब हमारे हमें कोई प्रूफ ही नहीं दिया। मैं अभी खुद 12th में हूँ, मेरी बड़ी सिस का 12th हो चुका है, उनको अभी कॉलेज में अप्लाई करना है और वो विदाउट प्रूफ तो हो नहीं पाएगा। फॉरेनर्स के उस पे बेसिस पे लेंगे, उसका फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Thank you.
डर तो भाई साहब सबको है, ऐसा नहीं है। बागवानों को मजबूरी में अब मंडी तो आना पड़ेगा, घर में रह के माल तो बिकना नहीं है। पर यह है कि प्रशासन को कुछ कदम उठाने चाहिए कि यहाँ पर कोई चेकिंग हो या टेस्ट सेंटर हो, कोई टेस्ट होने चाहिए बाहर के लोगों के जो आ रहे हैं, आड़ती है, लदानी है, सबका होना चाहिए। हाँ, उससे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब। अगर कोई अपनी आड़ती इस तरह के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे चेकिंग हो रही है, यहाँ तो कोई चेकिंग नहीं हो रही, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि मंडी में, तो आप देख रहे खुद भी हाल देख रहे हो कि क्या हो रहा है। डर है किसान, डर है, बहुत डर है भाई साहब। अब हम लोग खुद है, हम लोग अपने पास सैनिटाइजर वगैरह लेके चले हुए अपने पास, हम हर 10 मिनट के बाद सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदार आते हैं तो यहाँ पर कोई टेस्टिंग की सुविधा नहीं है और बहुत सारे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसका कोई मतलब यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी आदमी इसको फॉलो कराने के लिए या इसको लागू करने के लिए मौजूद नहीं है। अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे, और अभी जो एक बार आ गया था सरकार की तरफ से, एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ, सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए, तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए, हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 13 तारीख 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। वो हमारी पार्टी में जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे किसी व्यक्ति से भी लिंक्ड हों, यदि ऐसा कहा है जो अभी शंका के घेरे में है तो हम निश्चित तौर पर उस पर यथोचेष्ट कार्रवाई करें। इंदिरा जी हमारी दुनिया की, विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता थी और हम सबके लिए तो माँ के समान थी, तो यदि कोई उनको लेकर के कोई बात करता है तो यदि वो बात सम्मानजनक नहीं है तो हम तो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी चीज़ें ट्विस्ट भी की जा रही हैं, तोड़ मोड़ करके भी पेश की जा रही हैं, चुनाव का वर्ष है तो हमको इतना समय देना चाहिए
कि हम पूरी जानकारी कर सकें, और जानकारी के बाद यदि ये चीज़ें तथ्यात्मक आती हैं, दोनों बातें तथ्यात्मक आती हैं, यहाँ की तालिबान के संदर्भ में कही गई बात भी तथ्यात्मक सिद्ध होती है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय व्यतीत किया, लेकिन दृढ़ता के साथ, मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता किए बगैर अपनी लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके कृतित्व सदैव उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय राजनीति को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उस महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनके दिवंगत आत्मा की शांति के साथ उन्हें चरणों में अपना स्थान दें, इसकी कामना करता हूं। आपकी बात करें तो आपके साथ उनके बहुत ही आंतरिक और प्रखर संबंध रहे हैं, किस तरीके से आज, मतलब आज का बहुत ही भावुक क्षण, ऐसे क्षण में वो क्षण जो आपने उनके साथ जो पल बिताया, क्या कैसे याद करें? उनके समय की एक स्मृति है, मैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि 1991 में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उसमें मैं शिक्षा मंत्री जब था, तो नकल रोकने के लिए एक कैबिनेट का प्रस्ताव मैंने तैयार कराया था, और जब कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष मैं जब गया, तो वहाँ पर एक मत भिन्नता थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच। लोगों का कहना था कि यदि नकल रोकने का कानून लाया गया, इतना सख्त कानून, तो सारे लोग नाराज हो जाएंगे करोड़ों की संख्या में, और भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में लौट कर नहीं आएगी। दो बार वह प्रस्ताव टर्न डाउन हो गया कैबिनेट से। तो एक बार मैं स्वयं जाकर कल्याण सिंह जी से मैं मिला, मैंने कहा कि इसको बहुत ही सोच समझ कर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के भविष्य को देखते हुए यह तैयार किया गया है, इसलिए यह किसी भी सूरत में पारित होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण सिंह जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको देखेंगे, क्योंकि मैं तो उनका मंत्री था, वो हमारे मुख्यमंत्री थे। अगली जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई बृहस्पतिवार को, उन्होंने बैठते ही जो कैबिनेट का प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के बीच से हमारा नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव उन्होंने निकाला, और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी और यह प्रस्ताव पारित होता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।